संदेश खाली पहुंची बीजेपी की 6 सदस्यीय टीम को पुलिस ने रोका। रोके जाने पर धरने पर बैठी बीजेपी की टीम, संदेश खाली में पीड़ितों से मिलना चाहती है टीम। टीम की मेंबर और केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक का बयान, सैकड़ों शेख शाहजहां को लालन पालन कर रही हैं ममता बनर्जी। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने संवेदनशील हिंसा इसे करार दिया। संदेश खाली हिंसा की एनआईए जांच की मांग की, कहा इन्हें मृत्युदंड से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। संदेश खाली हिंसा पर बीजेपी सांसद और टीम मेंबर कविता पाटीदार ने कहा, एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए बहनों पर अत्याचार होना मानवता की हत्या के बराबर। टीम की मेंबर और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, बंगाल की सीएम निकम्मी और भ्रष्ट है, सरकार ऐसी है ये गुनाह करने वालों को पुरस्कृत करती है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ बदसलूकी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सीबीआई एसआईटी गठित करके निष्पक्ष जांच की मांग। जनहित याचिका में 3 जज की कमेटी बनाकर मामले की जांच की मांग की गई, दोषी पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन की गुजारिश की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार को अपोलो अस्पताल में डे केयर के कमरे में शिफ्ट किया गया, लाठीचार्ज में घायल सुकांत का आईसीयू में चल रहा था इलाज। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर पीएफआई सिमी और टुकड़े टुकड़े गैंग को संरक्षण देने का आरोप लगाया, कहा राष्ट्र विरोधी हैं इसलिए आरएसएस के खिलाफ बोलेंगी। कोलकाता में पार्थ चैटर्जी के करीबियों पर ईडी की रेड, जेल में बंद हैं पूर्व शिक्षा मंत्री और टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, राजस्थान के हर विधानसभा में जुड़े लाखों साथियों का स्वागत किया। पीएम ने राजस्थान को करीब 17,000 करोड़ की सौगात दी, कहा राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। आईटी ट्रिब्यूनल से कांग्रेस को राहत, खातों से हटाया गया फ्रीज, बुधवार को मामले की अगली सुनवाई। राहुल का ट्वीट, कांग्रेस धन की नहीं जन की ताकत का नाम। सीएम सिद्धारमैया ने पेश किया कर्नाटक का बजट, बंगलुरु में ट्रैफिक से निजात के लिए 2700 करोड़ खर्च करेगी सरकार। कर्नाटक के बजट में अल्पसंख्यकों को चौंकाने वाले उनके लिए कई ऐलान, वक्फ संपत्तियों के लिए 100 करोड़ रुपए तो ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ का ऐलान। राजस्थान में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं एमएलए महेंद्रजीत सिंह मालवीय। बिहार के सासाराम से में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यात्रा में शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत के दौरान तेजस्वी ने राहुल की कार चलाई, तेजस्वी ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। नीतीश कुमार को दोबारा मौका देने पर बोले लालू प्रसाद यादव, अब आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा, हम नहीं सोचते कि नीतीश ऐसा करेंगे। राहुल गांधी को पीएम बनने के सवाल पर लालू प्रसाद ने कहा, कोई कमी थोड़ी है, कोई कमी नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डीरेल है, यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज, जिस जिस राज्य में राहुल गांधी के कदम पड़े वहां कांग्रेस का अंत दिख रहा है। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग के मुख्य न्यायाधीश शुक्रे ने सौंपी रिपोर्ट, मराठा आरक्षण के लिए सर्वे रिपोर्ट सीएम शिंदे को सौंपी। सर्वे रिपोर्ट पर सीएम शिंदे ने कहा, मराठा आरक्षण देते समय ओबीसी या अन्य समाज पर कोई अन्याय ना हो इसके लिए सर्वे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खारिज होने पर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा लगभग 7,000 करोड़ बीजेपी के खाते में असंवैधानिक तरीके से आए। लखनऊ में शिक्षाविदों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में सीएम योगी ने लिया हिस्सा, कहा योग्य युवाओं से ही संवरेगा उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने कहा, हम युवाओं को उनके घर के पास ही नौकरी देना चाहते हैं, हमें युवाओं में योग्य होने का विश्वास पैदा करना है। जयपुर में अल्बर्ट हॉल के सामने 108 सूर्य नमस्कार का आयोजन, आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम और राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। भुवनेश्वर में वर्ल्ड क्लास बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र का शुभारंभ, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया उद्घाटन। चेन्नई में 1598 युवाओं को मिला सरकारी रोजगार का आदेश, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने नियुक्ति पत्र बांटे। ग्रामीण भारत बंद के आह्वान को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर चौकसी बढ़ी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम से लोग परेशान। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हैवी ट्रैफिक, लोगों को हो रही भारी परेशानी। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, रविवार की वार्ता विफल हुई तो दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान। टीकरी बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा, छात्रों और उनके अभिभावकों ने किसानों के आंदोलन को लेकर नाराजगी जताई। सरकार और किसानों के बीच रविवार की शाम 6 बजे होगी चौथे दौर की बैठक, दोनों पक्ष के बीच बातचीत पर बनी सहमति। किसान रविवार की बैठक तक शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने पर सहमत, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज भी नहीं करेगी कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों के साथ बैठक को सकारात्मक बताया, कहा एमएसपी कानून की मांग पर सरकार विचार करेगी। किसानों के दिल्ली चलो मार्च से जुड़ा संयुक्त किसान मोर्चा, आज शाम 4 बजे तक ग्रामीण भारत बंद का आह्वान। हरियाणा पुलिस ने अंबाला के शंभू बॉर्डर पर उपद्रव करने वाले किसानों के वीडियो जारी किए, कुछ किसान पुलिस पर पथराव करते नजर आए। पुलिस ने वीडियो जारी कर लोगों से अपील की उपद्रवियों की पहचान कराने में मदद करें। सासाराम में जयराम रमेश का बयान, मोदी सरकार का किसानों के साथ व्यवहार अफसोसजनक, किसानों की मांगों को कांग्रेस समर्थन देती है। किसान आंदोलन पर तेजस्वी यादव ने कहा, किसानों से नहीं मिलते हैं पीएम मोदी, किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए।
इंडियन नेवी का मिलन 24 एक्सरसाइज 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में रूस सहित 51 देश होंगे शामिल। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने अमेरिकी सेना के मुख्यालय वन कोर का दौरा किया। स्ट्राइकर यूनिट, मल्टी डोमेन टास्क फोर्स और स्पेशल फोर्स ग्रुप के बारे में जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, दो युवकों के साथ बर्बरता, एक की मौत। रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया, मामूली विवाद के बाद वहशी बने कुछ लोग, सभी आरोपी हिरासत में। आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल में नासिक के रहने वाले एक छात्र ने सुसाइड किया, कमरे में फंदे से लटका मिला शव। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एमएलए हॉस्टल में आग लगी, दमकल की टीम गाड़ियों के साथ पहुंची, आग पर काबू पाया। दिल्ली के नरेला में आग का कहर, अलीपुर मार्केट में भीषण आग लगी, 11 लोगों की झुलसकर मौत, 4 घायल।